वेलकम, गुड इवनिंग। शो सुन रहे हैं आप एक सिर्फ गॉसिप रफत आपके साथ। आज है 11 जुलाई, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जिस पर बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, ताकि कंट्रोल में रहे। फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है फॉर अ बेटर टुमारो। और आपको मालूम है, फैमिली प्लानिंग के लिए सरकार की तरफ से भी एक दिन फिक्स होता है हॉस्पिटल्स में, ताकि आप अपने मन में जो फैमिली प्लानिंग को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे हुए हैं, वो कंफ्यूजन दूर हो, और वहां पर जाकर आपको कई तरह की सर्विसेज मिलती हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और मैं पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल में इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और हम लोग देश के कई राज्यों में काम कर रहे हैं, सरकार को मदद कर रहे हैं। तो मुकेश जी, ये बताइए, मेरा एक ही सवाल है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर एक दिन फैमिली प्लानिंग के लिए आखिर क्यों फिक्स किया जाना चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर एक निश्चित दिन होता है तो हम कुछ चीजें जरूर से सुनिश्चित करते हैं उस दिन। पहली बात तो ये होती है कि सरकार ने जो शुरू किया है फिक्स डे स्टैटिक सर्विसेज, कि एक दिन नियत है जिस दिन आपको आपकी मनचाही सेवाएं मिलेगी, और निश्चित दिन करने के साथ ही समय निश्चित हो जाता है, दिन निश्चित हो जाता है, स्थान निश्चित हो जाता है और सेवाएं निश्चित हो जाती है। और उस दिन ये निश्चित होता है कि प्रशिक्षित सेवा प्रदाता आपको आपके मनपसंद परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक साधन दे सके, और साधनों की उपलब्धता, और सबसे महत्वपूर्ण है साधनों से संबंधित परामर्श उस दिन उपलब्ध होता है। अगर ये हर दिन उपलब्ध है तो भी अच्छा है, लेकिन नियत दिन आपको निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करता है। परिवार नियोजन एक ऐसा विषय है जहाँ पे कई बार उन्हें झिझक होती है कि हम कहाँ जाके बात करें, कितने पैसे लगेंगे, या फ्री में मिलेगा, या कौन सी मेथड लेनी चाहिए। और फिक्स डे सर्विस अगर नियत होता है तो उसे पता होता है महिला को या पुरुष को कि उस दिन समय की बचत होगी, सटीक जानकारी मिलेगी, और जब वो किसी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल पे पहुंचता है सेवाएं लेने के लिए, तब उसे निश्चित तौर पे पता होता है कि वहाँ परिवार नियोजन सेवाएं क्या क्या उपलब्ध हैं और कौन सी चीजें उसके लिए सबसे ज्यादा सुनिश्चित हैं, उपलब्ध हैं। लास्ट में थोड़ा सा कहना चाहूंगा दो लाइन की, अगर ये सब सुनिश्चित होता है तभी हम गर्व से कह पाते हैं कि हर तरफ गूंजे आवाज, सशक्त परिवार, सशक्त समाज।